नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीए करना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसको एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर सीए कोर्स से रिलेटिंग सारी जानकारी यहां पर देने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स दी है या अगर आप अभी 11th में है, 12th की एग्जाम्स देने वाले या दे चुके हैं, आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए करना चाहते हैं, पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, तो ये वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपके सवालों का दूंगा जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये जो कोर्स होता है, ये कोर्स करने से पहले या ये कोर्स क्या होता है जानने से पहले आइए देखते हैं कुछ दिग्गजों को, कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने सीए के फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमाया। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर। डेफिनेटली आप लोग इनको जानते होंगे, सीए अमन गुप्ता जो कि बोर्ड के फाउंडर है, शार्क टैंक इंडिया में दिखते हैं। सीए राकेश झुंझुनवाला जी जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, हर एक यंग इन्वेस्टर के आइडल होते हैं। सीए कुमार मंगलम बिरला जी जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और पूरा के पूरा बिरला एम्पायर इन्होंने बनाया है। सीए राघव चड्ढा पॉलिटिशियन, सीए नमिता थापर एम क्योर फार्मास्यूटिकल के फाउंडर्स, एंड सीए अनिल सिंह भी सर जो कि आप जी बिजनेस पे देखते होंगे, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट की न्यूज आपको यहां पर देते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब ये वो सभी लोग हैं जो आपको सीए, जो ना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है बल्कि उन्होंने सीए होने के अलावा अपने फील्ड में बहुत नाम कमाया। दोस्तों यार, एक सीए करता क्या है या क्या क्या कर सकता है? आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयबल बन सकते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हम लोग हमारे जॉब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक बार सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो एक करियर से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि भैया हमारे पास जॉब श्योरिटी होनी चाहिए, हमें ये गारंटी मिलनी चाहिए कि हमें जॉब मिलेगी। अगर जॉब ना भी मिले या मिले भी तो मुझे उसके साथ अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, जॉब ऑप्शन होने चाहिए मेरे पास, सेल्फ एम्प्लॉयबल होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो मैं चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो यंग इंडिया है, यंग जनता है, वो नहीं चाहती कि मैं किसी के अंडर काम करूं। थोड़ा कमाएंगे लेकिन खुद के लिए कमाएंगे, खुद का ब्रांड बनाएंगे। इट्स एन एरा ऑफ अ स्टार्टअप। सेल्फ एम्प्लॉयबल होना चाहिए। माई जॉब शुड गिव मी ग्लोबल रिकॉग्निशन। मतलब मैं कहीं पे भी जाऊं, मैं इंडिया के बाहर जाऊं, मैं दुबई में जाऊं, मस्कत में जाऊं, सिंगापुर में जाऊं, यूएस में, यूके में, मुझे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और अगर आप ये सारी चीजें करना चाहते हैं, पालना चाहते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि सीए जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कॉमर्स से है। मतलब अगर आप नॉन कॉमर्स से है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, तो भी आप सीए का कोर्स ये कर सकते हैं। यू कैन डू प्रैक्टिस, अपना ऑफिस खोलकर आप वहां पर क्लाइंट्स को बिजनेस सेटअप, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं इंडियन कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, और सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। मतलब हमने कुमार मंगलम बिरला सर का एग्जाम्पल देखा, सर कहते हैं कि आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू ग्रो माय बिजनेस टू सच एन एक्सटेंट अगर मैं सीए नहीं होता था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये तीन स्टेटमेंट्स मैं आपको सीए के बारे में बोलने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे के पूरे मेरे आज के वीडियो में कवर किए गए। पहला, सीए इज अ कोर्स ऑफ डिजर्वेशन नॉट ऑफ रिजर्वेशन। मतलब बाकी किसी और कोर्स की तरह, मेडिकल की तरह, इंजीनियरिंग की तरह या और किसी भी कोर्स की तरह आपको यहां पर अपनी कास्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप में सिर्फ डिजर्वेशन मतलब काबिलियत होनी चाहिए। नंबर टू, सीए कोर्स इज मेंट फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एंड नॉट जस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, इट इज चेरी ऑन द टॉप, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है मेहनत की, और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। सीए इज अ कोर्स वेयर यू अर्न व्हाइल यू लर्न। मतलब यार, ये इकलौता ऐसा कोर्स है जहां पर आप पैसा कमाते हो जब आप सीए ये कोर्स कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि दिस इज अ कोर्स मेंट फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। मैं यहां पर एग्जांपल देना चाहूंगा प्रेमा जय कुमार का, मुंबई की लड़की है जो सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आती है, एंड शी बिलोंग्स एंड शी इज द डॉटर ऑफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर। बहुत प्राउड होता है ये कहते हुए कि यार ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स ने प्रेमा जैसे कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो एक इकोनॉमिकली डिप्राइव फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होते हैं, लेकिन अपने मेहनत के चलते, अपने बलबूते पर ये मुकाम हासिल करते हैं कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, प्रेस्टिजियस कोर्स कंप्लीट करते हैं और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, करियर की एक्सपेक्टेशंस में आप लोगों को बता चुका हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलिए सर, अगर मैंने सीए कर लिया, पहली बात तो ये कोर्स बहुत डिफिकल्ट है, और दूसरी बात सर, अगर मैंने ये कोर्स कर लिया तो क्या गारंटी है कि मुझे जॉब मिलेगी? वेल, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स देता हूं। ग्लोबली 10,000 लोगों में कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अलग अलग देशों का ये एक आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो अगर मैं यहां पर यूएसए का आंकड़ा आपको दिखाता हूं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 10,000 लोगों के बीच में सिर्फ 15 लोग सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। जस्ट रिमेंबर दिस डेटा। इन
यूके द नंबर इज 21, वहां पर सीपीए कहा जाता है। यूएसए में जो इंडिया में सीए होता है उसको वहां सीपीए कहा जाता है। देन मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया द नंबर इज 18, मूविंग टू न्यूजीलैंड द नंबर इज 68। आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ज्यादा नंबर है, कोई बात नहीं, अब हम आते हैं इंडिया में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इंडिया में ये फिगर देखो कितने की है, सिर्फ और सिर्फ 3। इसका मतलब है अगर 10,000 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और आप उनसे पूछना कि आप में से कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, गाइस यू विल गेट ओनली 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये नंबर बहुत बड़ा है। डेफिनेटली आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से इंडिया को कैसे कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है और इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन दोस्त इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है। जिस तरीके से इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरीके से बिजनेस बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, कंप्लायंसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है। डेफिनेटली ये नंबर सिर्फ 3 नहीं हो सकता, इट कुड हैव गॉन टू 5, 6, 7, और ये नंबर 5, 6, 7 तक कब जाएगा, जब आपके जैसे लोग, वो बच्चे जो अभी 10th, 11th, 12th में, वो डिसाइड करेंगे कि मुझे सीए बनना है और मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो ये नंबर बढ़ाएंगे। ट्रस्ट मी गाइस, आप बाकी कोई भी कोर्स करेंगे उसमें बहुत पैसा लगेगा, लेकिन सीए कोर्स में यू अर्न व्हाइल यू लर्न, एंड आई विल प्रूव दिस स्टेटमेंट इन दिस वीडियो। अब बच्चों को लगता है कि यार ये कोर्स कौन से कॉलेज से कंडक्ट होता है, लेट मी स्पेल ऑफ द बीन्स, आपको मैं क्लेरिफाई कर दूं, ये कोर्स किसी कॉलेज से कंडक्ट नहीं होता है, सीए कोर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है थ्रू अ इंस्टीट्यूट नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको मैं इस पूरी वीडियो में आईसीएआई के नाम से रेफर करने वाला हूं, डोंट फॉरगेट दिस नेम। नाउ आईसीएआई जो है वो कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट ने पूरे इंडिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, और हर एक एरिया का अपना एक रीजनल हेडक्वार्टर है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरे ट्रांजैक्शन जो है वो आईसीआई की वेबसाइट से होते हैं, विच इज www.icai.org। ये वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। Now, ये जो कोर्स है, ये कोर्स के टोटल 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है सीए फाउंडेशन, दूसरा होता है सीए इंटरमीडिएट, और तीसरा होता है सीए फाइनल एग्जामिनेशन। यहां पर कोई एंट्री एग्जाम नहीं है, कोई मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, मेथड बहुत सिंपल है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सीए कोर्स करने के 2 रास्ते हैं, देयर आर 2 एंट्री रूट। पहला जिसको कहते हैं सीए फाउंडेशन रूट, ये उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो 10th स्टैंडर्ड पास हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, सीए 10th स्टैंडर्ड के बाद हो सकता है? बिल्कुल सही सुना, 10th स्टैंडर्ड के बाद कभी भी आप जब सीए कोर्स में एंट्री लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन है फाउंडेशन रूट, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट एंट्री रूट। ये उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, मतलब आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर, उम्र के किसी भी पड़ाव पर सीए करने का डिसीजन ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मतलब ना ही कोई मिनिमम पासिंग परसेंटेज की रिक्वायरमेंट, ना ही कोई स्पेसिफिक कॉमर्स, साइंस, आर्ट स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट, ना ही कोई एज का रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कोर्स बाहें फैलाकर आप लोगों का स्वागत करता है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं डायरेक्ट एंट्री को कवर नहीं कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में डाल दूंगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो ग्रेजुएशन के बाद सीए करना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू अ वॉक थ्रू, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से कोर्स किया जाता है। तो आप लोग 12th की एग्जाम्स अपियर करते हैं, 12th की एग्जाम्स पास करते हैं, पर सर अभी तो आपने कहा था कि ये कोर्स 10th के बाद होता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू, जैसे आप किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते हैं, वैसे ही आपको सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करना होता है, और ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो आप कर सकते हैं 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद कभी भी। मतलब सीए इंस्टीट्यूट के पास जाके आपको एडमिशन लेना होता है, जो ऑनलाइन करना होता है। ये एडमिशन कब ले सकते हैं? आफ्टर पासिंग 10th। लेकिन जो पहली एग्जाम होती है सीए फाउंडेशन की एग्जाम, वो आप अपियर कब कर सकते हैं? ओनली आफ्टर पासिंग 12th। गाइज, इट इज एग्जैक्टली लाइक जेई, इट इज एग्जैक्टली लाइक नीट। जैसे काफी सारे बच्चे जेई नीट की तैयारी 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड के बाद से चालू करते हैं और एग्जाम्स देते हैं 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स के बाद, एग्जैक्टली उसी तरह सीए फाउंडेशन की एग्जाम इस तरीके से डिजाइन की गई है, जहां पर आप प्रिपरेशन 10th स्टैंडर्ड के बाद चालू कर सकते हैं, मे बी टुगेदर विद योर 11th, 12th एंड सो ऑन, एंड देन यू कैन अपियर फॉर एग्जाम्स आफ्टर पासिंग योर 12th एग्जाम। 12th की एग्जाम कंप्लीट करने के बाद आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम देंगे, सीए फाउंडेशन की एग्जाम होने के बाद आपको उसे पास करना है, वो एग्जाम पास करने के बाद आप जाएंगे फिर से सीए इंस्टीट्यूट के पास और अगली लेवल की, अगली एग्जाम की रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे कहते हैं सीए इंटरमीडिएट। रजिस्ट्रेशन का मतलब है एडमिशन, टेकिंग एडमिशन। सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम्स में आप अपियर करके उसे भी पास करेंगे। दोस्तों यहां पे बीच में कुछ छोटे छोटे कोर्सेज करने होते हैं, जैसे कि यहां पर आप एक नाम देख रहे हैं आईसीआईटीएसएस, इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स।
इस वीडियो में मैं उसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं, अलग से वीडियो उसके ऊपर मिल जाएगी आपको। नाउ आफ्टर यू पास इंटरमीडिएट, यहां पर एक बहुत तगड़ी चीज, एक जबरदस्त चीज आईसीआई ने की, और वो है कि आपको 2 साल की फाइनल सीए फाइनल की पढ़ाई के साथ साथ आर्टिकल्स ट्रेनिंग करनी होती है। मतलब कहते हैं ना दोस्तों, अकेडमिक लाइफ अलग है, प्रैक्टिकल लाइफ अलग है। रियल जिंदगी में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होता है, किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। एंड स्पेशली जब आप मेडिकल प्रोफेशन और चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में होते हैं तो सिर्फ किताबों से काम नहीं होने वाला, तो आपको यहां पर 2 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है किसी प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर, और उसके साथ साथ सीए फाइनल की तैयारी करनी होती है। ये 2 साल का सफर इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इन 2 सालों के सफर में ही आपको यहां पर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करने होते हैं। सीए फाइनल की पढ़ाई करके, सीए फाइनल को पास करके आप बनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, 2 साल की आर्टिकलशिप के साथ साथ आपको कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम करने होते हैं जिसका नाम है SPOM, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, और 6 महीने का कंपल्सरी स्टडी ब्रेक लेकर सीए फाइनल की प्रिपरेशन करके आपको सीए की डिग्री मिल सकती है। अब सवाल यहां पर यह है कि सर मुझे यह जानना है कि मैं कब चालू कर सकता हूं या कर सकती हूं, मुझे यह डिग्री कब मिलेगी। लेट मी पुट अप सम डेट्स। नाउ सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप अपने हिसाब से डेट्स लगा लीजिए। वो सभी बच्चे जो अभी इस समय 12th स्टैंडर्ड में हैं, ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं, और मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं उन बच्चों का जो 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स देने वाले हैं, अपियर करने वाले हैं इन फरवरी मार्च 2025। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो फरवरी मार्च 25 में 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स देने वाले हैं, तो आप उसको पास करने के बाद सीए फाउंडेशन की एग्जाम कब दे सकते हैं। सीए फाउंडेशन की एग्जाम साल में 3 बार होती है, जनवरी, मई और सितंबर। आप चाहे तो मई की एग्जाम दे सकते हैं, आप चाहे तो सितंबर की एग्जाम दे सकते हैं। अंशुल सर आप क्या प्रेफर करते हैं? मेरा पर्सनल ओपिनियन सजेशन रहेगा, यू शुड गो अहेड विद सितंबर एग्जामिनेशन। व्हाई सर, व्हाई सितंबर? लेट मी टेल यू द रीजन। दोस्तों फरवरी मार्च 25 में आप 12th की एग्जाम्स देते हैं, मतलब मोटा मोटी मैं मान लू दिसंबर के बाद आप पूरी तरह 12th पे फोकस कर रहे हैं, दिसंबर 24 से, मतलब 3 महीने पहले से। तो अगर आप पूरी तरह 12th पे फोकस कर रहे हैं तो आप अपने फाउंडेशन की तैयारी कर नहीं पाएंगे, और अगर मे का अटेम्प्ट देना है तो आपको समय मिलेगा थोड़ा कम, क्योंकि फरवरी मार्च में एग्जाम खत्म होने के बाद आपके पास सिर्फ 1 महीना बचेगा अप्रैल का। मेरी ओपिनियन में आप कभी भी सीए की तैयारी चालू करें, अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आप 11th के साथ या 11th के बाद, मतलब 12th के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, यू कैन टारगेट मे एग्जाम। लेकिन अगर आप 12th के बाद चालू कर रहे हैं, या फिर सपोज आप 12th के एंड में चालू कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में, तो फिर आपको सितंबर का अटेम्प्ट टारगेट करना चाहिए। तो एग्जाम साल में 3 बार होती है, मई में या सितंबर में 2025। लेट अस पुट अप दीस फिगर्स। तो वो सभी बच्चे, ध्यान से सुनना, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वो सभी बच्चे जो फरवरी मार्च 25 में 12th की एग्जाम्स देंगे वो लोग सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे सकते हैं मई / सितंबर 25। साल में 3 बार एग्जाम्स होती है, एग्जाम होने के बाद विद इन 30-40 डेज रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद फिर से आप पास होते हैं तो आईसीआई के पास जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट की एग्जाम आती है 1 साल बाद। तो अगर आपने मई 25 में सीए फाउंडेशन क्लियर किया है तो दोस्तों मई 26 में इंटरमीडिएट की एग्जाम आएगी, और अगर सितंबर 25 में क्लियर किया है तो सितंबर 2026 की इंटरमीडिएट की एग्जाम आएगी। फाउंडेशन की तरह इंटरमीडिएट की एग्जाम भी साल में 3 बार होती है, मई, सितंबर, जनवरी, दैट्स ऑल। तो आप जो फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर करते हैं एग्जैक्टली उसके 1 साल बाद वाली आपकी इंटरमीडिएट की एग्जाम आती है। एग्जाम आपको क्लियर करना है, आर्टिकलशिप करनी है, जैसे कि मैंने कहा आर्टिकलशिप होती है आपकी 2 सालों की, 2 साल की आर्टिकलशिप करने के बाद आपको 6 महीने का स्टडी ब्रेक लेना है, उसके बाद आपका फाइनल का अटेम्प्ट आएगा। कैलकुलेशंस लगा लीजिए, मई 2025 में आप फाउंडेशन क्लियर कर रहे हैं, मई 2026 में आप इंटरमीडिएट क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद में मई 2029 में, मई 2029 में आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट आएगा। सिमिलरली गोज विद सितंबर, अगर आप सितंबर की साइकिल फॉलो करें तो आपका सितंबर में अटेम्प्ट आएगा, और अगर जनवरी की साइकिल फॉलो करें तो जनवरी का अटेम्प्ट आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सीए फाइनल की जो एग्जाम है वो साल में 2 बार ही होती है, इट इज आइदर मे और इट इज नवंबर, मतलब फाउंडेशन इंटर 3 बार होती है पर फाइनल की एग्जाम साल में 2 बार होती है। नाउ लेट्स लुक एट द सब्जेक्ट। सीए फाउंडेशन की जो कोर्स है, पहला लेवल जो है, इसकी एलिजिबिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है, जब आप एग्जाम देते हैं, व्हेन यू अपियर फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम, चाहे मे में हो या सितंबर में हो, यू मस्ट हैव अपियर्ड फॉर योर 12th एग्जाम। ये पहला एलिजिबिलिटी है। दूसरा,
ये कट ऑफ डेट्स याद रखना दोस्तों। आईसीएआई के जो रजिस्ट्रेशन है, जो मैंने आपसे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बताया था, ये रजिस्ट्रेशन 24/7 चालू होते हैं ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट icai.org। अलग से वीडियो बनाया मैंने उस पर हाउ टू डू आईसीआई रजिस्ट्रेशन, आप बिल्कुल उसे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए समझिएगा, रजिस्ट्रेशन करने की कोई स्टार्टिंग डेट नहीं होती है, एंड डेट होती है। तो अगर आप मे अटेम्प्ट देना चाहते हैं मे 2025 या 26, तो आपको रजिस्ट्रेशन की कट ऑफ डेट ध्यान रखनी है 1st of February। अगर आप सितंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो कट ऑफ डेट है 1st of May, और अगर आप जनवरी अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो कट ऑफ डेट है 1st of September। तो ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है। इंस्टीट्यूट कहता है कि जो भी एग्जाम आपको देनी है उससे कम से कम 4 महीने पहले आपका आईसीआई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दैट इज द मिनिमम स्टडी पीरियड। दोस्तों सीए फाउंडेशन में सब्जेक्ट वाइज आपको 40% लाने हैं पास होने के लिए, और एग्रीगेट मतलब टोटल आपका स्कोर 50% होना चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, 100 मार्क का सब्जेक्टिव पेपर होता है। पेपर नंबर 2 100 मार्क का सब्जेक्टिव पेपर। ये सब्जेक्टिव पेपर 3-3 घंटों के पेपर होता है जिसमें 15 मिनट्स एक्स्ट्रा का रीडिंग टाइम मिलता है। पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 100 मार्क एमसीक्यू बेस्ड पेपर 2 आवर्स। एंड पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स, 100 मार्क एमसीक्यू बेस्ड पेपर 2 आवर्स। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं। यहां पर आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स विच इज बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, और इकोनॉमिक्स में आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पेपर नंबर 1 और 2 में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स लाने हैं, और ये 400 मार्क की जो एग्जाम है इसको पास करने के लिए कम से कम 50% मतलब 200 मार्क्स आपको यहां पर लाना है। तो सीए फाउंडेशन का अगर एज ए टीचर आप मुझसे पूछोगे, सर हाउ मच इज द सिलेबस व्हेन इट इट्स कंपेयर्ड विद 11th एंड 12th, वेल यार मैं एक चीज बताऊं, चाहे आप 11th 12th साइंस से करें, कॉमर्स से करें, आर्ट से करें, उसका सीए पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सीए हर एक के लिए ओपन है। लेकिन अगर आप कॉमर्स से कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स आर हेल्पफुल। लेकिन अगर आप साइंस से कर रहे हैं तो सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स इज वेरी हेल्पफुल टू यू। लेट मी टेल यू, कहीं से भी शुरुआत करेंगे, किसी ना किसी को जीरो से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ तो सबके लिए नया है। इंटरमीडिएट की अगर बात की जाए तो इंटरमीडिएट में कुछ सब्जेक्ट्स इस तरीके से हैं, और फिर फाइनल की बात की जाए तो सीए फाइनल के सब्जेक्ट्स इस तरीके से हैं। मतलब अभी मैं इस वीडियो के अंदर इंटरमीडिएट और फाइनल को कुछ खास डिस्कस कर नहीं रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं कि यार सीए में खर्चा कितना आएगा, क्योंकि सर अगर ये एक्चुअली इतना अच्छा कोर्स है जहां पर एक फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को 8-9 लाख रुपए का पैकेज लग रहा है, तो सर ये कोर्स में खर्चा बहुत लगता होगा। आपको मेरा एक स्टेटमेंट याद होगा, मैंने आपसे कहा था यू अर्न व्हाइल यू लर्न, मतलब ये एक ऐसा कोर्स है जहां पर आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तभी आप पैसा कमा रहे हैं, और ये रहा उसका पूरा कैलकुलेशन। दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंडेटरी कॉस्ट आपकी निकाली है। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंडेटरी कॉस्ट का मतलब क्या है। तो आप जब कहते हैं कि आपकी किसी भी कोर्स की टोटल कॉस्ट क्या है, तो ये टोटल कॉस्ट को हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गई मैंडेटरी कॉस्ट, मतलब जो लगनी ही लगनी है, और दूसरी हो गई ऑप्शनल कॉस्ट, जो किसी की लग सकती है, किसी की ना लग सकती है, किसी की कॉस्ट कम लगेगी, किसी की कॉस्ट ज्यादा लगेगी। सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल हो गई क्लासेस की फीस, एग्जाम्पल यहां पर आप ले सकते हैं हॉस्टल की फीस। अगर आप किसी और शहर में जा रहे हैं तो हॉस्टल, मेस, मेडिकल, ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन, ये सारा खर्चा आपको लगेगा, ये ऑप्शनल खर्चा है। मैंने अभी यहां पर जो ये कैलकुलेशंस आपके लिए बनाए हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी कॉस्ट मैंने यहां पर इंकर किया है, और वो भी फाउंडेशन रूट से। जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री रूट से करेंगे उनका ये फाउंडेशन वाला खर्चा नहीं लगेगा, उनका खर्चा यहां से चालू होगा। नाउ लेट्स सी, सीए फाउंडेशन में आपको आईसीआई का रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन इज अ वन टाइम एक्टिविटी, बार बार नहीं करना होता है, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये रजिस्ट्रेशन का खर्चा है 9,400। इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन फीस अलग से भरनी होती है। एग्जामिनेशन फीस आपको तब भरनी होती है जब आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं। अगर आप कोई अटेम्प्ट स्किप करना चाहते हैं तो यू शुड नॉट फिल द एग्जाम फॉर्म ऑफ दैट अटेम्प्ट। एग्जामिनेशन फीस है 1,500। कुछ बुक्स आपको अगर कोई लेनी है तो, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप सीए कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर आईसीएआई की किताबें इंक्लूडेड होती है, जो आपके घर पर डिलीवर होती है absolutely free of cost. Same thing goes to CA intermediate, registration cost, exam form cost. आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि एक कोर्स करना होता है ICITSS, वो इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाती है, उसकी फीस यहां पर आ गई और मिसलेनियस एक्सपेंस यहां पर आ जाते हैं।
सीए फाइनल का खर्चा यहां पर आप लोगों के सामने, तो अगर आप देखते हैं तो ग्रॉस एक्सपेंडिचर आ रहा है 116,100 रुपए। ये फिगर को ध्यान रखिएगा, इट इज अ ग्रॉस एक्सपेंडिचर। ग्रॉस का टर्म मैंने यहां पर इसलिए यूज किया है क्योंकि दोस्त जब आप आर्टिकलशिप करते हो तो आपको आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड मिलती है, मतलब सैलरी मिलती है। ये सैलरी अलग अलग रेंज की हो सकती है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाया है, प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। What are the salary stipend? What are the salaries and stipend pains in articleship? लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट अभी के लिए अगर मैं एक एवरेज रेट लेता हूं तो 5,000 रुपए पर मंथ मिलता है फर्स्ट ईयर में और 8,000 रुपए पर मंथ मिलता है सेकेंड ईयर में। ट्रस्ट मी गाइज, ये फर्स्ट ईयर की फिगर जो है इट गोज अप टू 15 and even 20,000 ऑल्सो, बट यस इट कैन गो एज लो एज लाइक 3,000 ऑल्सो, डिपेंड। तो मैंने एक एवरेज फिगर लिया, तो 5,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ बिकम 60,000 एंड 8,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ बिकम्स 96,000। तो टोटल अर्निंग जो आपकी हुई है वो है 1,56,000। अब वो ग्रॉस एक्सपेंडिचर की फिगर सबको याद है, 116,100 रुपए दोस्तों हम लोगों ने खर्चा किया था और उसके बदले में 1,56,000 हमने कमाया। मतलब अगर मैं अपनी नेट अर्निंग्स देखूं या मैं नेट एक्सपेंडिचर देखूं तो वो हो रहा है 39,900 की अर्निंग। क्या कहा था मैंने आपसे, इट इज अ कोर्स वेर यू अर्न वाई यू लर्न, और ये यहां पर आपके सामने। अब आप कहोगे सर यहां पे तो क्लासेस की कॉस्ट आई नहीं क्योंकि वो बहुत मेजर होती होगी, डेफिनेटली मैं आपसे कह रहा हूं डेफिनेटली, बट हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं मैंडेटरी कॉस्ट की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सेल्फ स्टडी से, जो यूट्यूब क्लासेस से या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहां पर बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में रीजनेबल फीस में आपको क्लासेस मिल जाती है वहां से सीए कोर्स को परस्यू करते हैं। वेल, अगर आप हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं तो टीम एकाग्रता अड्डा 247 के ऐप पे आप लोगों के लिए लेके आती है वंडरफुल क्लासेस एट एन एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइसेस फॉर सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट। हाँ जी दोस्तों, हमारी जो क्लासेस है वो पूरा सिलेबस कवर करती है, वी हैव एक्सपर्ट काउंसलर्स ओवर हियर, सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट कंडक्ट की जाती है। हमारी क्लासेस आप अपने घर से बैठ के अपने डिवाइस पे देख सकते हैं, मतलब आप किसी भी शहर से हैं, आपको बड़े शहर में अच्छी क्लासेस के लिए अच्छे टीचर्स के लिए जाने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी फीस देने की जरूरत नहीं है। आप एकाग्रता अड्डा 247 से अपना फाउंडेशन कर सकते हैं विद एज लो एज जस्ट 5,000 रुपीज। सही सुना आप लोगों ने, एज लो एज जस्ट 5,000 रुपीज। अनलिमिटेड वॉच टाइम मिलता है, मतलब आप अपने मोबाइल फोन से भी क्लासेस देख सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से भी देख सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। हमारी मल्टीपल बैचेस चलती रहती है, एट टाइम बैक टू बैक बैचेस आती है, आप लाइव बैच चाहे लाइव बैचेस अटेंड कर सकते हैं, आप अगर चाहे तो रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हैं। नॉट ओनली दिस, एट टाइम्स यू डू हैव सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, मतलब हमारे पास एक एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर्स भी होते हैं, तो अगर आपको एक टीचर नहीं पसंद आया आप दूसरे टीचर पे शिफ्ट कर सकते हैं एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होता है और हमारी जो क्लासेस है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कवर की जाती है, जहां पर हम हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर पढ़ाते हैं। दोस्तों अगर आप एकाग्रता का ये सब्सक्रिप्शन देखते हैं जिसका नाम है महापैक, तो हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक है महापैक, एक है महापैक प्रो। डिफरेंस बहुत सिंपल है, आपको महापैक के अंदर मिलती है फिजिकल बुक्स, महापैक प्रो के अंदर आपको मिलती है ई बुक्स। ई बुक्स मतलब पीडीएफ बुक, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हार्ड कॉपीज आपको आपके घर पे डिलीवर हो जाए तो आप डेफिनेटली महापैक प्रो के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। विद वन सब्सक्रिप्शन, विद जस्ट वन सब्सक्रिप्शन, यू कैन नॉट जस्ट अटेंड अवर प्रेजेंट बैचेस बट ऑल्सो अवर पास्ट बैचेस, इजंट इट अमेजिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, एकाग्रता सीए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आपके सवाल है सीए कोर्स से रिलेटिंग तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जाने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों, इफ एन एग इज ब्रोकन बाय एन आउटसाइड फोर्स, अगर एक अंडे पे बाहरी ताकत लगाई जाए, बाहर से फोर्स किया जाए, तो वो जो अंडा है उसके अंदर जो पलने वाली जिंदगी है वो जिंदगी का अंत हो जाता है। लेकिन वही अंडा, इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम एन इनसाइड फोर्स, अगर अंदर से पुश मिलेगा और वो अंडा अंदर से फूटेगा तो उसके बाद एक नई जिंदगी का बर्थ होगा। जितने भी लोगों ने आज का ये वीडियो देखा है सीए के कोर्स के ऊपर, चाहे वो पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, प्लीज खुद को फोर्स मत करो मुझे सीए करना है, पहले मेरे इस वीडियो के बेसिस पर जानकारी लो, बैठो, सोचो, समझो, देखो कि क्या मैं इस कोर्स के लिए बना हूं, क्या मैं ये करना चाहता हूं, क्या मैं ये बनना चाहता हूं और क्या मैं ये सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार हूं। अगर अंदर से आवाज आती है कि हां मैं ये सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार हूं, तो ही सिर्फ और सिर्फ आपको ये कोर्स करना है, नहीं तो ये कोर्स से आपका फायदा नहीं होने वाला है। हमारे प्रोडक्ट्स के और प्राइसिंग की जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं adda247.com। फॉलो कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा।
हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।